नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल BSET की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की GKGS की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाली जेल वार्डर की परीक्षा के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि दोस्तों काफी दिनों के बाद ये एग्जाम ऑर्गेनाइज होने वाला है और जिन भी अभ्यर्थियों ने इसका फॉर्म भरा है, परीक्षा देने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मौका है, बहुत ही बढ़िया मौका है कि दोस्तों इस समय नौकरी पाना जो है बहुत कठिन है। कठिन परिस्थितियां चल रही है देश और राज्य के सामने, और इस कठिन परिस्थितियों में अगर आपको नौकरियां पाना है तो आपको परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। बहुत कठिन कंपटीशन होने वाला है दोस्तों, टफ कंपटीशन होने वाला है। और दोस्तों कंपटीशन जब ज़्यादा होता है तो बाकी सारे विषय जैसे आपका हिंदी है या फिर आप मैथ्स या फिर रीजनिंग तैयार करते हो तो उसमें तो सब जो है तैयारी ठीक ठाक कर लेते हैं, मगर GKGS ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि जो आपकी मेरिट को बनाता है और मेरिट को खराब भी कर देता है कई बार। तो दोस्तों इसी हिसाब से हमने जो प्रश्न आपके परीक्षा के लिए संभावित लगे हैं, इंपॉर्टेंट लगे हैं, आज हम उन्हीं प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि अगर GKGS के प्रश्न आपसे पूछे जाए तो कुल कितने प्रश्नों को आप हल करने की स्थिति में है, आपकी परीक्षा की तैयारी कैसी चल रही है, यह जांचने का इस वीडियो से आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको कितना अभी और तैयार करना है। और दोस्तों अभी पर्याप्त समय आपके पास है, आप अपनी तैयारी को ठीक से कर सकते हैं, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए स्पेशल है। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो जो है पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। जी दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न आप आज का कि इनमें से कौन सा खनिज लोहे से संबंधित नहीं है। जी, लोहा जो है खनिज से प्राप्त किया जाता है, लौह अयस्क एक जो है खनिज है। और अगर हम बात करें दोस्तों तो कौन कौन से लौह अयस्क के खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैग्नेटाइट हो गया, आपका हेमाटाइट हो गया, इसके अलावा सिडेराइट और लिमोनाइट अयस्क से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। बॉक्साइट से लोहे के खनिज का कोई भी लेना देना नहीं है, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत के खिलाफ प्रावधानों का जिक्र करता है। जी दोस्तों, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 समता के अधिकार का विशिष्ट उदाहरण है, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, अनुच्छेद 17 के अंतर्गत जो अस्पर्शता है मतलब छुआछूत है, इसे निषिद्ध और दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, ब्रिटिश सेना का नेतृत्व बक्सर की लड़ाई में कौन कर रहा था। जी दोस्तों, 1764 में यह युद्ध लड़ा गया था जिसमें 3 जो है लोगों की सेनाओं ने संयुक्त रूप से अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। और अगर हम बात करें ब्रिटिश सेना के नेतृत्व की तो दोस्तों हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया था। दोस्तों यह एक निर्णायक लड़ाई थी जिसके बाद जो है इंडिया पर लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों का शासन स्थापित हो गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जी भारत का चंद्रमा से संबंधित सबसे पहला मिशन दिए गए विकल्पों में से कौन सा है। जी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगर हम बात करें तो 22 अक्टूबर 2008 ईयर याद रख सकते हैं आप, 22 अक्टूबर 2008 को सफलतापूर्वक विमोचन किया गया था चंद्रयान 1 का। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चंद्रयान 1 जो है भारत का पहला चंद्रमा से संबंधित मिशन था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारतीय क्रांति का जनक किसे माना जाता है, क्या आप जानते हैं दोस्तों। जी दोस्तों, गरम दल के नेता, महाराष्ट्र में जन्म हुआ 1856 में, नाम है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। गरम दल के नेता माने जाते थे और 1856 में दोस्तों महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ है, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसने लोकसभा में स्पीकर के पद पर सबसे अधिक समय बिताया है। दिए गए विकल्पों में किसने सबसे अधिक समय तक लोकसभा के स्पीकर के पद पर कार्य किया है। जी दोस्तों, 1980 से 85 तक और उसके बाद 85 से 89 तक कुल 10 वर्ष तक लोकसभा के स्पीकर पद पर कार्य किया है, बलराम जाखड़, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए वेरी गुड सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बी। किस वर्ष भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप में हिस्सा लिया था। जी, भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने वर्ष 1978 में पहली बार विश्व कप में हिस्सा लिया था। और दोस्तों वर्ष 1978 में इसका जो महिला विश्व कप का आयोजन किया गया था वह भी इंडिया में किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष लाहौर प्रस्ताव पास किया गया था।
जी दोस्तों, लाहौर प्रस्ताव ही वह प्रस्ताव था जिसमें एक अलग राज्य पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। और अगर बात करें तिथि की तो 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। क्या आप जानते दोस्तों, भारत का सबसे पहला LNG मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस टर्मिनल किस राज्य में स्थापित किया गया? जी, LNG जो है दोस्तों एक पर्यावरण मित्र ईंधन है। और बात करें इस प्रश्न की तो ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा। गुजरात में LNG का पहला टर्मिनल स्थापित किया गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। जी दोस्तों, कई बार देश की राजधानी और मुद्रा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें इस प्रश्न की तो म्यांमार की राजधानी विचार करके बताएं दोस्तों कौन सी है। जी, म्यांमार की मुद्रा, सॉरी, बिल्कुल ठीक दोस्तों। अगर हम बात करें बालबोवा की तो बालबोवा जो है पनामा देश की मुद्रा है। बालबोवा पनामा देश की मुद्रा है। बात करें दोस्तों यूरो की तो यूरो देश की मुद्रा का नाम है, यूरोपियन यूनियन की जो मुद्रा है उसका नाम है यूरो। कोर्डोबा की बात करें दोस्तों तो निकारगुआ देश है जिसकी मुद्रा का नाम है कोर्डोबा। और दिए गए ऑप्शंस में अगर हम बात करें म्यांमार की जो मुद्रा हो जाएगी वह कयात हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न। पूना समझौता जिसके द्वारा दलितों के लिए अलग चुनाव क्षेत्र दिए जाने के खिलाफ महात्मा गांधी के अनशन को तोड़वाया गया था, तो दोस्तों पूना समझौता के प्रणेता कौन थे? जी, 1932 में महात्मा गांधी और बी आर अंबेडकर के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न देखते हैं। जी दोस्तों, यदि आपने सुना हो ऐतिहासिक हस्ती जहानारा बेगम के बारे में तो विचार करके बताएं कि उनके पिताजी का नाम क्या था। जी, ताजमहल का निर्माण करवाने वाले शाहजहां और मुमताज की पुत्री का नाम था जहानारा बेगम। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा देश माया सभ्यता को संबद्ध करेगा? बिल्कुल ठीक, माया सभ्यता का संबंध दोस्तों मैक्सिको के है, मैक्सिको से है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा शहर किसी भी एशियाई देश की राजधानी नहीं है? तो दोस्तों बीजिंग की बात करें, उलान बटोर की बात करें, नेपिय दो की बात करें और विंडोक हेग की बात करें तो यह किसी ना किसी देशों की राजधानी है। जैसे बीजिंग जो है वो दोस्तों चाइना की राजधानी हो जाएगी। उलान बटोर की बात करें दोस्तों तो मंगोलिया की राजधानी का नाम है उलान बटोर। और म्यांमार की राजधानी की बात है दोस्तों नेपिय दो। और यह तीनों ही देश दोस्तों एशिया के अंतर्गत आते हैं, तो यह तीनों तो गलत हो जाएंगे, एक ही बचा है हमारा विंड होएक। तो दोस्तों विंड होएक जो है आपके नामीबिया की राजधानी है। और नामीबिया दोस्तों किस प्रांत में पड़ता है? तो यह अफ्रीकी देश है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, अफ्रीकी देश नामीबिया की राजधानी विंडहोएक। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सा भारतीय राज्य म्यांमार के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा को साझा नहीं करता है? जी दोस्तों विचार करके बताएं। अगर हम बात करें तो पूर्वोत्तर के चार राज्य ऐसे हैं जो म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, इसके बाद दोस्तों नागालैंड है, फिर मणिपुर और मिजोरम। यह चार राज्य जो है वो म्यांमार के साथ अपनी सीमाएं साझा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा, आसाम, जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र एक द्वीप पर स्थित है? जी दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, धौलावीरा राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न दोस्तों, डेमियन चलेजे ने फिल्म के लिए 89th अकादमी पुरस्कार से सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता था, तो दोस्तों विचार करके बताएं इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन क्या होगा। जी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, लाला लैंड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। इन शहरों में कौन सा भारतीय शहर रथ यात्रा के पवित्र त्योहार से जुड़ा है जो दुनिया में होने वाला सबसे बड़ा रथ जुलूस है?
जी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों। यह यात्रा जो है दोस्तों, रथ यात्रा का जो पवित्र त्योहार है, जो दुनिया में सबसे बड़ा रथ जुलूस है, इसका संबंध जो है उड़ीसा के पुरी से है। और दोस्तों उड़ीसा का जो पुरी है, जिसे पुरुषोत्तम पुरी के नाम से भी जाना जाता है, भगवान जगन्नाथ की लीला भूमि है। और भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा दोस्तों बात करें तो अभी आपने सुना होगा कि 9 दिनों तक इसकी यात्रा चलती है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जी दोस्तों बात करें तो आर्टिकल 63 अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, और वह जो है उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। अंग्रेजों द्वारा साइमन कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? दोस्तों ध्यान देने वाली बात है कि साइमन कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था, ना कि पूछा गया कब आया था। जी साइमन कमीशन की घोषणा दोस्तों 8 नवंबर 1927 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। रेलवे के नक्शे के अनुसार इनमें से कौन सा स्टेशन इटारसी जंक्शन के सबसे करीब होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, अहमदाबाद। अगला प्रश्न। जी दोस्तों आपने कई बार अर्थव्यवस्था से संबंधित जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो जीडीपी करके एक शब्द आपने सुना होगा, तो उसी से संबंधित यह प्रश्न है। जीडीपी में जो डी रहता है बीच में, उसका मतलब क्या होता है? जी दोस्तों जीडीपी की फुल फॉर्म होती है ग्रेस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब, या फिर प्रोडक्शन। तो यहां से आपका डी जो है राइट ऑप्शन हो जाएगा, ग्रॉस डोमेस्टिक। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से किस त्योहार की तारीख सूर्य या चंद्रमा के चाल से निर्धारित नहीं होती है? जी दोस्तों हम जानते हैं कि ईद का त्योहार जो है वो चांद पे निर्भर करता है, गुरु पूर्णिमा भी पूर्णिमा के दिवस पर होती है जो चांद से संबंधित है, और दीपावली अमावस्या को होती है तो यह भी चांद के ऊपर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। ईसाइयों का त्यौहार क्रिसमस प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनाया जाता है, इसकी तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न। नागपुर में पूछा गया है दोस्तों, नागपुर इनमें से किस फल के उत्पादक के रूप में जाना जाता है? प्रमुख रूप से किस फल का उत्पादन नागपुर में किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए नारंगी ऑरेंज इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत ने इनमें से किस जगह पर अपना पहला सफल परमाणु परीक्षण किया था? जी दोस्तों 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण पोखरण, जो कि राजस्थान में स्थित है, वहां पर किया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें से कौन संसद का वार्षिक सत्र नहीं है? जी दोस्तों बिल्कुल सही है इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया ऑप्शन नंबर बी ग्रीष्मकालीन सत्र, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। दोस्तों अगर हम बात करें तो ग्रीस एक वर्ष में लोकसभा के 3 सत्र होते हैं। कौन कौन से होते हैं दोस्तों? सबसे पहले होता है हमारा बजट सत्र, जो कि फरवरी से मई तक चलता है। इसके बाद जो दोस्तों होता है वह होता है मानसून सत्र, जो कि आपका जुलाई से अगस्त तक चलता है, और नवंबर दिसंबर में चलता है हमारा शीतकालीन सत्र। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से बहरीन की राजधानी कौन सी है? जी मनामा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। बहरीन की राजधानी का नाम है मनामा। दोस्तों आपको दे रखा है विकल्प में बाकू, तो एक देश है जिसका नाम है अजरबैजान। अभी आपने हाल ही में उसका डिस्कशन इसका बारे में सुना होगा, तो अजरबैजान की राजधानी का नाम है बाकू। सोफिया की बात करें दोस्तों तो बुल्गारिया की राजधानी का नाम है सोफिया, और हम सभी जानते हैं अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। इनमें से कौन सा स्मारक वेधशाला भी है? जी जंतर मंतर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन। इसका निर्माण दोस्तों सवाई जयसिंह ने करवाया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। इनमें से किस जड़ी बूटी को भारत का मुफ्त वृक्ष भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा।
नीम को भारत का मुक्त वृक्ष भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, इनमें से किस ग्रह को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है? क्या आप जानते हैं जोवियन ग्रह दिए गए विकल्पों में से किस ग्रह को कहा जाता है? जी ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा, यूरेनस अरुण ग्रह को जोवियन ग्रह कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों बृहस्पति शनि वरुण भी जोवियन ग्रह के उदाहरण हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि सॉइल नाइट्रोजन फिक्सेशन में निम्नलिखित में से कौन सा बैक्टीरिया शामिल होता है? राइजोबियम ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प है। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद हर नागरिक के मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है? जी दोस्तों संविधान का अनुच्छेद 55 का हर नागरिक के मूल कर्तव्यों को निर्धारित करता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। दोस्तों इसके अलावा इसमें बात करें तो सरदार स्वर्ण सिंह की समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संशोधन, तो दोस्तों 42वां संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के अंतर्गत जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों मौलिक जो मूल कर्तव्य है यह किस देश के संविधान से लिए गए, तो यह जो है रूस के संविधान से लिया गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। पहला परमाणु संलयन रिएक्टर कहां पर स्थित है? जी भारत का पहला परमाणु संलयन रिएक्टर जो है गांधीनगर जो कि गुजरात राज्य में है वहां पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी वेरी गुड राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, बांग्लादेश को आजादी कब मिली थी? किस वर्ष में बांग्लादेश को आजादी मिली थी? जी आजादी से पूर्व दोस्तों इसे पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तारीख की बात करें तो 26 मार्च 1971 ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। एथेंस जो है वो किसकी राजधानी है? जी अगर बात करें दोस्तों तो ग्रीस देश की राजधानी का नाम है एथेंस। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें फ्रांस की राजधानी का तो क्या नाम है? पेरिस नाम है फ्रांस की राजधानी का। इंग्लैंड की राजधानी तो दोस्तों लंदन जो है इंग्लैंड की राजधानी का नाम है। और हम बात करें जर्मनी की तो दोस्तों बर्लिन नाम है जर्मनी की राजधानी का। फिलहाल इस प्रश्न के लिए दोस्तों एथेंस ग्रीस की राजधानी ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न। जी दोस्तों दिए गए विकल्पों में से कौन जापान की मुद्रा है? जी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। जापान की मुद्रा का नाम है येन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, इनमें से किसने भगवान विठोबा के पसायदान की रचना की थी? जी दोस्तों इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा में, और जब परीक्षा में जीके के ऐसे प्रश्न आप देखते हैं तो बाद में कहते हैं कि जीके टफ आई थी या फिर कहां से आ गई थी, हमें तो कुछ पता ही नहीं चला। और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए ताकि जीके के जो 37-38 प्रश्न आने वाले हैं उसमें कम से कम 35 प्रश्न आपके हल हो, जिससे आपका सिलेक्शन जो है 100% सिक्योर हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। संत ध्यानेश्वर ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न, इनमें से किसे आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है? जी वो इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों कई बार पूछा जा चुका है। बिल्कुल ठीक, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध अपने अनुयायी को किस भाषा में उपदेश दिया करते थे? जी जनसाधारण की भाषा कही जाने वाली पाली भाषा में गौतम बुद्ध अपने अनुयायियों को उपदेश दिया करते थे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक में कुल कितने जानवर अंकित हैं? क्या आप जानते हैं कि हमारा जो नेशनल सिंबल है राष्ट्रीय प्रतीक है उसमें कुल कितने जानवर है? बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने भी बताया बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों घोड़ा हाथी बैल और सिंह यह चार जानवर जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक में शामिल किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, नाला कालेबेरा दोस्तों नबा कालेबेरा किस राज्य का प्रचलित त्योहार है? जी दोस्तों नबा कालेबेरा उड़ीसा राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रचलित त्योहार है और यह जगन्नाथ मंदिर से जुड़ा एक प्राचीन उत्सव है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न,
जी दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक युद्ध जो 7 साल तक वर्ष 1756 से 1763 तक भारत में लड़ा गया, किसके बीच? तो दोस्तों, दो औपनिवेशिक देशों के बीच जो है यह युद्ध लड़ा गया था। पूछा क्या गया कि कौन दो औपनिवेशिक देश है जो भारत में 7 साल तक सप्तवर्षीय युद्ध को लड़े हैं। जी, सप्तवर्षीय युद्ध जो दोस्तों 1756 से 63 तक भारत में लड़ा गया, ब्रिटेन और फ्रांस दो औपनिवेशक देशों के मध्य हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है, वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्या आप जानते कि हाथ में न्यूनतम नकदी और कुल संपत्ति जो बैंक को बनाए रखनी चाहिए, तो दोस्तों उसके अनुपात को क्या कहा जाता है? जी, वैधानिक तरलता अनुपात, बात करें तो SLR जिसे हम बोलते हैं, स्टेचरी लिक्विडिटी रेशियो। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, बिल्कुल सही ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न विचार करके बताएं दोस्तों, कांसा जो है वो किसकी किसकी मिश्रित धातु है? कांसा में कौन दो धातुएं जो है मुख्य रूप से मिलाई जाती है? जी, लगभग 88% पाया जाता है दोस्तों तांबा, और लगभग 12% मात्रा पाई जाती है टिन की। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही विकल्प। अगला प्रश्न जी दोस्तों, एक डेंटिस्ट द्वारा रोगियों के दांत को देखने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उसका नाम पूछा गया है। जी, एक गोलाकार दर्पण, अवतल दर्पण, जिसके उभरे हुए तल पर पॉलिश की हुई होती है और अंदर का जो तल होता है वह परावर्तक होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, अवतल दर्पण, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति क्या देख सकता है? ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकता है और दूर की वस्तुएं जो है उसे स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तना है? तो दोस्तों, जड़, तना, पुष्प, इस प्रकार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जैसे केसर है, मूली है, लौंग है, इसके बारे में कई बार पूछा जाता है। इस प्रश्न की बात करें दोस्तों तो ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, अदरक जो है वह तना है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? जी दोस्तों, अगर हम बात करें तो सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन उपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न दोस्तों, कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कुनैन जो कि मलेरिया के उपचार में प्रयोग की जाती है, किस पौधे से प्राप्त होती है? तो उस कंडीशन में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा सिंकोना। यहां क्या पूछा गया कि कुनैन सिंकोना पादप के किस भाग से प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? दोस्तों, जड़, फल, बीज और छाल। जी, कुनैन एक प्राकृतिक श्वेत क्रिस्टलाइन एल्कलाइड पदार्थ होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, सिंकोना पौधे के छाल से पाई जाती है कुनैन, जिसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों मलेरिया रोग के उपचार में। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प। अगला प्रश्न जी, लौंग क्या है, विचार करके बताएं दोस्तों। जी, सूखे हुए फूल है लौंग। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? जी दोस्तों, साइटोकाइनिन। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया, बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, साइटोकाइनिन क्षारीय प्रकृति का पादप हार्मोन है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न, शरीर के अंदर लोह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है? दोस्तों, आयरन की कमी अगर हमारे अंदर हो जाए तो कौन से रोग के होने की संभावना सबसे ज्यादा है? जी, अनेमिया नामक रोग, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रक्तहीनता, की होने की जो है उम्मीद सबसे ज्यादा है यदि लौह तत्व की कमी हमारे शरीर में हो जाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः क्या कार्य करते हैं? जी, जल वाहन के लिए जाइलम जो है मुख्यतः जिम्मेदार होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? जी, गुर्दे की पथरी, बिल्कुल ठीक है, कैल्शियम ऑक्सलेट की उपस्थिति के कारण जो है मानव गुर्दे में पथरी का निर्माण हो जाता है।
और ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न प्रजातियों में कौन सी दांत वाली बेल में विशालतम है? तो दोस्तों वेलों की कई सारी प्रजातियां पाई जाती है, विचार करके पता है कि दांत वाली वेल में सबसे बड़ी वेल कौन सी है। जी वैसे नॉर्मली बात करें तो ब्लू वेल जो है विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी है और स्पर्म वेल जो है दांत वाली वेल में विशालतम है। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहत क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? जैसे दोस्तों वर्तमान में कोरोना जो है विश्व के बृहत्तम क्षेत्र में फैल चुका है, क्या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, पैंडेमिक कहते हैं, ग्लोबल पैंडेमिक के नाम से कई बार हम कहते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्रोप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है, तो दोस्तों कहां पक्षाघात हुआ है? एक हाथ में, दोनों हाथ में, हाथ पैर दोनों में, कहां? बिल्कुल ठीक दोस्तों, टेट्रोप्लेजिया को हम क्वेड्रीप्लेजिया भी कहते हैं और यह बीमारी जो है दोस्तों गंभीर चोट के परिणाम स्वरूप होती है और इस बीमारी में मनुष्य के हाथ पैर और धड़ सभी में पक्षाघात होता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प हो जाएगा, दोनों हाथ और दोनों पैरों का। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? कौन सी बीमारी जो है वो जल से फैलती है? राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मानव शरीर का तापक्रम। तो दोस्तों जो हमारे शरीर का तापक्रम होता है, टेम्परेचर होता है, तो यह जो है क्या मौसम का इस पर कोई परिवर्तन पड़ता है? मतलब सर्दी में ठंडा, गर्मी में गर्म, ऐसा कुछ फर्क पड़ता है? जी मानव शरीर का तापक्रम जो है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किससे जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, आइस कोर के पिघलने से जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतांक प्राप्त किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्न में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों विचार करके बताएं, जी प्लाज्मिड ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए जिन्होंने भी बताया है राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र की जैव विविधता की बढ़ोतरी के लिए उत्तरदायी नहीं है? जी पोषण स्तरों की कम संख्या जो है वो किसी भी तरीके से जैव विविधता को बढ़ावा नहीं देगी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण क्या है? जी दोस्तों जानवरों को दर्द निवारक दवा देना ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है। 19 नवंबर निम्न में से किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? क्या आप जानते हैं दोस्तों 19 नवंबर? जी अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस और विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है 19 नवंबर को। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा परियोजना किस मंत्रालय की परियोजना है? जी दोस्तों अगर हम बात करें क्लास लंबी की तो ना रुकना है ना थकना है, बस पढ़ते जाना है पढ़ते जाना है, क्योंकि यही एक तरीका है सिलेक्शन लेने का। और आप पढ़ो या ना पढ़ो मगर बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस समय बहुत मेहनत कर रहे हैं। वेरी गुड ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा, अल्पसंख्यक मामले। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? तो दोस्तों पहला स्थान है ऑप्शन नंबर ए राइट ऑप्शन हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। उत्तर प्रदेश के किस जिले में किछौछा बंदरगाह शरीफ स्थित है? सॉरी दोस्तों किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है। जी उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में किछौछा दरगाह शरीफ स्थित है और इसे प्रसिद्ध सूफी संत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर अशरफी की दरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प हो जाएगा, अंबेडकर नगर। निम्नलिखित में से किस अवसर पर सोहर लोकगीत का गायन किया जाता है? जी बच्चे के जन्म पर, विशेषतः दोस्तों पुत्र के जन्म पर सोहर लोकगीत का गायन जो है वो किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही विकल्प है। मिट्टी की बारात नामक कविता संग्रह के लेखक कौन है? मिट्टी की बारात ऑप्शन नंबर बी शिव मंगल सिंह सुमन इस प्रश्न के लिए हो जाएगा बिल्कुल
राइट ऑप्शन। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। यदि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, प्रश्न पसंद आए हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा तैयारी और जानकारी के लिए बने रहिए अपने चैनल BSET की क्लासेस के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।